हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एसएससी जेई 2023 की फॉर्म फिलिंग डेट आ चुकी है और मैक्सिमम बच्चे जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर प्लीज चूज पोस्ट अप्लाइंग फॉर, जबकि हमने फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप किया है लेकिन फिर भी हमारे पास से शो हो रहा है। तो बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, बच्चों के टेलीग्राम पे आने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत। वहां पे कुछ ना कुछ एसएससी की तरफ से वेबसाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप दोबारा भरिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ओके, तो ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम हुई है। तो आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है और आप लोग अच्छे तरीके से एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते रहिएगा। लास्ट में मैंने 2 वीडियो जरूर डाले थे, उनको जरूर सुनिएगा कि किस तरीके से आपको इस टाइम पे प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। ओके, यूट्यूब से भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप पेड लेना चाहते हो तो टारगेट बेच आपका एसएससी जेई 2023 के लिए है, उससे भी आप कर सकते हो। जैसा आपके लिए बेनिफिशियल है वैसा आप लोग कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।